सो हे गाइस, यार कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू स्टेटस वीडियो को बनाएंगे। तो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट जरूर देखना। इस वीडियो को हम अलाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। तो अगर आप अलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से आप बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ओके, तो यार वीडियो एडिट करने के लिए आपको अलाइट मोशन में आ जाना है और प्लस पे क्लिक करके एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है 916 के साइज में। फिर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है, अपनी फोटो को ऐड करना है, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, शेयर का आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एच पीएनजी को सिलेक्ट करके स्पॉट पे क्लिक करना है, फोटो को सेव करना है, फिर इस फोटो को डिलीट करना है एंड प्लस पे क्लिक करना है, फिर मीडिया पे क्लिक करना है, नेक्स्ट फोटो को ऐड करना है, ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, शेयर का आइकन पर क्लिक करके करंट फ्रेम एच पीएनजी को सिलेक्ट करके स्पॉट पर क्लिक करना है, फोटो को सेव करना है। तो गाइस, इस प्रकार से आपको जो है अपनी फ़ोटोज़ को यहाँ पे क्रॉप कर करके सेव करते रहना है। तो अब आप पूछोगे कि आपको कितना फ़ोटो क्रॉप करना है, तो आप जो यहाँ पे 13 फ़ोटो को क्रॉप कर लेना। ओके, तो मैं यहाँ पे जल्दी फ़ोटो को क्रॉप कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। सो गाइस, फ़ोटो क्रॉप कर लेने बाद इस प्रोजेक्ट से आपको बैक आना है, बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ओके, और सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको दिखेगा इस प्रकार से अपना जो सबसे नीचे में लेयर, इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया और फॉन्ट पे क्लिक करना है, ऊपर आपको अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है। ओके, एंड यहाँ पे फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है ना इस पर क्लिक, मतलब फ़ोटो को ऐड करना है, ऊपर प्लस पे क्लिक करना है, पहला फ़ोटो को आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है, फिर सिलेक्ट करके आगे जाना है। ओके, फिर नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पर क्लिक करके मीडिया और फॉन्ट पर क्लिक करना है, मतलब जो अपना सेकेंड फ़ोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पर क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, मीडिया और फॉन्ट पे क्लिक करना है, फिर अपना सेकंड फोटो को सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक करना है। तो यहाँ से अपना सेकंड फोटो को ऐड करना है यहाँ तक। ओके, यहाँ जो आगे डबल हिट मार दिख रहा है ना, यहाँ पे 16 सेकंड तक आपको अपना सेकंड फोटो को ऐड करना है, जो भी फोटो आपने ऐड करोगी, मतलब आपको जो भी फोटो आपको ऐड करना है वो ऐड कर लेना, लेकिन सेम फोटो ऐड करना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 5 लेयर है इस प्रकार से, 6 लेयर, हाँ 5 लेयर है, तो इन 5 लेयर में आपको सेम फोटो को ऐड कर लेना है। फिर डबल हिट मार्क आएगा तो उसके आगे फिर से आपको फोटो को चेंज कर देना है। तो यहाँ पे आपको तीसरा फोटो को ऐड करना है, तो जो भी आपका तीसरा फोटो है उसको आपको ऐड करना है, और इस प्रकार से आप यहाँ पे फिर सेम फोटो को आपको ऐड करते रहना है। ओके, और यहाँ पे एक राउंडेड रेक्टेंगल है, इसको ऐसे ही छोड़ देना, बाकी 4 लेयर में आपको अपना तीसरा फोटो को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं 4 लेयर में जो अपना तीसरा फोटो को ऐड कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर डबल हिट मार्क आएगा, आपको फोटो को चेंज कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना चौथा फोटो को ऐड करना है। ओके, और गाइस इस प्रकार से आपको जो है 4 लेयर फिर से आएगा, तो इन 4 लेयर में फ़ोटो को ऐड कर लेना है। तो सिंगल बिट मार्क रहेगा तो आपको फोटो को वही सेम फोटो को ऐड करते रहना है, जैसे ही डबल बिट मार्क आएगा फोटो को चेंज कर देना है। तो यहाँ पे देखो फिर डबल बिट मार्क आया, यहाँ पे फोटो चेंज कर देंगे, 5वां फोटो को ऐड कर लेंगे अपना 5 नंबर वाला फोटो को, फिर देखो आगे डबल बिट मार्क है तो हम फिर फोटो को चेंज करेंगे और यहाँ पर 6 नंबर फोटो को ऐड करेंगे। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एंड फिर डबल बिट मार्क है तो फिर फोटो को चेंज करेंगे, एंड यहाँ पर 7 नंबर का फोटो ऐड करेंगे, फिर डबल बिट मार्क आया आगे में तो फिर से फोटो चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अब इसके आगे डबल हिट मार नहीं है, सिंगल हिट मार का, तो फिलहाल हम यही सेम फोटो को ऐड करते जाएंगे जो अभी हमने ऐड किया है इसमें, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो यही प्रोसेस को फॉलो करते रहना है और आपको फ़ोटो को ऐड करना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस प्रकार से फ़ोटो ऐड करना है। तो इस प्रकार से इधर सेम फोटो को, मतलब इधर भी इसी प्रकार से ऐड कर लेना, और लगातार यहाँ पर जो है मतलब 2 फोटो 3 फोटो यहाँ पे भी यूज होगा, तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से पहले हमने यूज किया है इसी प्रकार से फोटो ऐड कर लेना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर शेयर के आइकन पे क्लिक करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।